बेमेतरा में वर्दी पहनकर युवक का अपहरण फिर हत्या करके लाश को कवर्धा के जंगल में जलाने वाले आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। दरअसल प्रेम प्रसंग के चलते पुलिस विभाग में पदस्थ कांस्टेबल सीआर राम ने 5 दोस्तों के साथ मिलकर चेतन का अपहरण कर लिया था और चेतन की हत्या कर कवर्धा के जंगल में चला दिया था। पुलिस ने हत्याकांड के सभी पर्दे उठाते हुए इस मामले का खुलासा करते हुए एसपी प्रशांत सिंह ठाकुर ने बताया है कि मृत युवक चेतन की सगाई 10 फरवरी को होने वाली थी। जिस लड़की से मृतक की शादी तय हुई थी उसका प्रेम प्रसंग हरीश साहू से चल रहा था, जिसके प्रेमी हरीश साहू ने दोस्तों के साथ मिलकर चेतन का अपहरण कर हत्या की साजिश रची। इस दौरान पुलिस विभाग में कांस्टेबल के पद पर पदस्थ सीआर राम ने 5 वर्दी का बंदोबस्त किया और पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। बहरहाल आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। अब बात करते हैं अगली खबर की। छतरपुर में इंजीनियर महेश चंद्र सोनी के सोने घर को चोरों ने निशाना बनाया है और सोने चांदी के जेवरात सहित शादी के लहंगे चुनरिया और 30,000 की नकदी लेकर फरार हो गए। बता दें कि मार्च को इंजीनियर महेश चंद्र सोनी के बेटे रवि सोनी की शादी होनी है, जिसको लेकर घर में तैयारियां चल रही थी और चोरों ने इसी का फायदा उठाकर हाथ साफ कर दिया। वहीं जानकारी लगते ही मौके पर सिविल लाइन पुलिस पहुंची और अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाशी शुरू कर दी है।